दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस चैनल पर ज्यादातर ऑडियंस बीएससी वाली, और आपने बीएससी क्यों करी है ये भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हम भी आप में से ही निकल के आए हुए एक बच्चे हैं। ध्यान से समझ लो, कोई कितनी भी बड़ी बातें कर ले कि बीएससी बेकार हो गई है, बीएससी में कुछ हो नहीं रहा है, एजुकेशन सिस्टम की अजीत, ऐसी बातें कर रहे हैं, खूब आदमी गप सूंघता है बैठ के, लेकिन रियलिटी पता क्या है भैया, जेब में चाहिए होता है पैसा। अगर आपको बीटेक करना है, बी फार्मा करना है, बीसीए करना है, तो आपको पैसा चाहिए अंधाधुन। तो जो गरीब लोग थे भैया, हमारे टाइप लोगों की भी हालत वही थी, तो जो गरीब लोग होते हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जीएफ कॉलेज में मेरे जमाने में, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं होगी फीस, बीएससी की फीस थी 3,3200 रुपए, ठीक। जो एससी एसटी में आते थे उसमें भी 2-300 रुपए कम हो जाती थी, यानी कुल मिला के हम लोग खुद ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के अपनी फीस जमा कर सकते थे, इसलिए बीएससी कर ली। लेकिन उस बीएससी में एडमिशन लेने के बाद हमें और कई फायदे हुए जो आज हम आपको बताने वाले हैं। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कैसे बीएससी ने मेरी जिंदगी बदल दी, और वाकई में हमें ऐसा लगता है कि बीएससी, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं मेरे साथ में हुआ क्या। जब हम 10th में थे, हमारे जो सरजी हैं, अभी वो आए थे विक्ट्री फेस्ट में, जो बच्चे जानते हैं उन्हें पता होगा, तो हमारे जो सरजी थे वो 10th से कहते रहते थे पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरो, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरो, ठीक। हमारे साथ के कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक करी, आज की डेट में वो घर से पैसे लेके जाते हैं। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक अनुभव बता रहे हैं इस वीडियो में कि हुआ क्या, पूरा सिनेरियो कैसे रहा। तो उन्होंने कहा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरो, ठीक। हमने कहा ठीक है, भरा। फिर उन्होंने कहा अब पॉलिटेक्निक कर लो, लेकिन हमने कहा नहीं, हम पहले 11th करेंगे। तो हमने 11th करा, फिर 12th में फिर हमने GTI और ITI दोनों का फॉर्म भरा। उस समय ITI का भी पेपर हुआ करता था, और ITI में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, हमें जहां तक याद है 500 में से शायद 444 नंबर आ गए थे, ठीक है। और GTI में भी अच्छी रैंक थी मेरी, लगभग उस समय 170-180 नंबर थे, ठीक ठाक रैंक थी, यानी हमें कॉलेज मिल जाता, दोनों में कॉलेज मिल जाता, चाहे हम GTI कर लेते चाहे ITI कर लेते। फिर हमें लोगों ने समझाया कर लो, तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारे घर में कोई है नहीं, तुम जैसे GTI कर लोगे तुरंत तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा। और ऊपर वाले की दुआ से हम कतई साफ साफ कह रहे हैं, अगर हमने वो फैसला कर लिया होता शायद हम आज भी 22 इंची साइकिल पे घूम रहे होते, हो सकता कुछ अच्छा भी होता, लेकिन शायद हम आज भी 22 इंची साइकिल पे घूम रहे होते, और हमारी जो एक बहन की शादी हो गई, ये सब इतना सा भौकाल, ये कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं, बताते हैं आपको 1-to-1। क्यों? क्योंकि GTI करने के बाद, हम यहाँ बुराई नहीं कर रहे उसकी, ठीक, तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो हम वीडियो एक अलग बनाएंगे। अभी हम फायदे क्या क्या हुए आपको ये बताते हैं। सुनो भाई, पहला फायदा हमने यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि कुछ छूट ना जाए, ठीक। सबसे पहला फायदा क्या हुआ हम आपको बताते हैं। जब तक हम 9th क्लास में, हमने कहीं भी इंग्लिश की ट्यूशन नहीं पढ़ी, ठीक, क्योंकि सरकारी स्कूल में थे, गवर्नमेंट में, और पैसा इतना ज्यादा था नहीं भाई, सीधी बात, नाना पास रहते थे, तो 9th में कहीं ट्यूशन पढ़ी नहीं, ठीक। 10वें क्लास में भी कहीं अंग्रेजी की ट्यूशन नहीं पढ़ी, 11वें में भी अंग्रेजी की ट्यूशन नहीं पढ़ी शुरुआत में, और 12वें में लगा है। 12वें में हम एक रात में लेटे हुए थे तो हमें 2 बजे सपना आया, यार ऐसा ना हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में 100 में 100 आ जाओ, अंग्रेजी में फेल हो जाए, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं, कोई बैकअप नहीं। जैसे यहां जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन ऐसा हमारे जमाने में नहीं था, ऐसा मास्टर नहीं मिल गया कि वो सपोर्ट करे, पड़ा कुछ नहीं, तो सपना आया, रात में पसीना आने लगा, सुबह उठ के गए, कुछ टाइम बचा था 4-5-6 महीने, तो वहां पर जाके कोचिंग की बात करी और कोचिंग ज्वाइन करी। यानी सरकारी स्कूल वालों की अंग्रेजी कैसी होती है आपको पता है, ठीक। तो 12th तक हालत बहुत गंभीर थी, हमें लगता था यार इंग्लिश लिखी कैसे जाती, ये वाली पोजीशन थी। फिर जब बीएससी हमने करी भाई, तो बीएससी से एक जो सबसे बड़ा फायदा हुआ हमें पता क्या था, वो हमें इंग्लिश समझ में आने लगी कि लिखी कैसे जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे एक सर जी थे, वो टोटल इंग्लिश में फिजिक्स लिखवाया करते थे, पल्ले कुछ नहीं पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि हम खुद भी 12th से ही बच्चों को पढ़ाने लगे थे, तो 4 बजे उनकी कोचिंग होती थी, हम 4:15 पर जाते थे, वो अंधाधुंध अंग्रेजी छपा रहे होते थे, बीटेक लेवल की, एमटेक लेवल की, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो, पल्ले कुछ नहीं पढ़ता था। लेकिन पता क्या करते थे, लास्ट टाइम में पेपर ऑफ टाइम 1-2 दिन पहले, मेरे जमाने में वो छोटा वाला फोन हमने खरीदा था पैसों से अपने खुद के, लाबा डिस्कवर 100 स्टार उसका नाम था, 2700 का उस समय लिया था, 1-1.5 साल पढ़ाने के बाद हमने, तो हम उस पर बैठ के, उस समय रिचार्ज पहिया घुमा करते, उस पर सर्च करते थे बैठ के, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, पेपर से 2-4 दिन पहले। तो सर जी फिर आप पास कैसे हो गए? पास ऐसे हो गए भाई, 12th में थे और बच्चे हम पढ़ा ही रहे थे 12th लेवल के, बीएससी फर्स्ट ईयर जो होता है वो लगभग वही होता है 12th लेवल का, तो आता था ही बना बना, वही पढ़ाते थे, वही लिखाते थे, अच्छे नंबर बन गए, पास हो गए सर जी, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला फायदा हुआ मेरे, जैसे हम बहुत सारे भी शब्द बोलते हैं, बहुत सारी वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, बीच बीच में मेरी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे इंग्लिश शब्द आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि मेरे भाई बीएससी करी है, बीए वो नहीं, वो आपने रील वायरल देखी होगी, प्लेन बीए, तो प्लेन बीए करने वाले भाई हो कुछ नहीं पाता है, आदमी जाता ही नहीं है, उसके दिमाग में बता रहे बीए ही तो कर रहा है, बहुत गंदी हालत हो जाती। तो भैया बीएससी करने का सबसे पहला मेरा फायदा ये रहा
कि हमें थोड़ी सी इंग्लिश समझ में आने लगी कि कैसे सेंटेंस बनेंगे, कैसे लिखेंगे। अब हम ये नहीं कह रहे सबको समझ में आने लगेगी, हम थोड़ा सा एक्टिव आदमी थे, कोशिश करते थे सीखने की कि भाई कैसे करा जाए, क्या करा जाए, कहीं फंस तो नहीं रहे। बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो दिन में बैठ के 2 घंटे पढ़ा रहे हैं तो 6 घंटे खुद बैठ के मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 12th में रहकर 12th को पढ़ाना आसान थोड़ी है, तो मेहनत बहुत करते थे भाई, ठीक है। उससे क्या हुआ, हमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ में आने लगी, क्योंकि पूरी बीएससी हमने जो है लगभग नोट्स फुल भावकाल मां लिखे पढ़े, मिक्स में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी में तो लिखा ही नहीं, मैडम जी हिंदी में लिखवाती थी, हम नहीं लिखते थे, मिक्स में लिखते थे, ठीक है। मिक्स में इसलिए कि कुछ शब्द तो आएंगे मेरे पास, तो इससे यह हुआ मेरी वोकैब्स अच्छी हुई, वोकैबुलरी अच्छी हुई और थोड़ा सा इंग्लिश में मेरी पकड़ बनी। ये पहला फायदा था। दूसरा फायदा बीएससी करने का क्या हुआ बताते हैं आपको। देखो 12th में मेरे पास भाई साइंस साइड थी, ठीक। अब 12th में मेरे पास साइंस साइड थी, अगर हम बीए कर लेते या पॉलिटेक्निक कर लेते तो मेरी फील्ड चेंज हो जाती, फिर हम पता क्या कर सकते थे। पॉलिटेक्निक करने के बाद 6,000, 7,000, 8,000 रुपए शाहजहांपुर में कुछ है नहीं, मम्मी हमारी बोली तुम अकेले हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे क्योंकि पिताजी मेरे हैं नहीं। अगर हम बाहर कहीं चले जाते तो 6,000, 7,000, 8,000 रुपए ट्रेनिंग बेस पे करते रहते, फ्रेशर की नौकरी मिलती है। आज भी मेरे दोस्त हैं जो 12,000, 15,000 रुपए कर रहे हैं भाई, बहुत गंदी हालत है। तो उससे तो मतलब ही नहीं पॉलिटेक्निक से। दूसरा विकल्प अगर हम बीए ये कर लेते तो कतई पैदल हो जाते। क्यों? क्योंकि भाई 12th एक तरफ हम कर रहे थे, साइंस साइड से थे, बढ़िया बच्चे थे, टॉपर थे, जीआईसी में मेरा 3rd नंबर था, प्राइज मिला था, फुल भौकाल था, और एक तरफ हम बीए कर लेते, घर के ना घाट के कहीं नहीं रह जाते, फिर हम 12th भी सही से नहीं पढ़ा सकते थे। तो हमने क्या करा, हमने नहीं, हम बीएससी ही करेंगे। उससे हम ये नहीं करें, बीएससी में बहुत काबिल हो गए, लेकिन 12th तक का जो प्लेटफॉर्म था वो बहुत मजबूत हो गया। जब प्लेटफॉर्म मजबूत हो गया तो फिर हम 12th तक बहुत आराम से पढ़ा सकते थे, और बहुत जल्दी हम ये नहीं कहेंगे भैया बहुत लेट ग्रोथ हुई, मेरी एज अभी केवल 28 साल है भाई। और हम आपको बताएं हुआ क्या, हम जब 12th में थे तब मेरे पास बच्चे थे 2, फिर 4 हुए, यानी बीएससी फाइनल होते होते मेरे पास 85 के करीब बच्चे हो गए थे भाई। सोच नहीं सकते, उस समय हम 500 रुपए लेते थे, 8-5 40,000 रुपए हम कमाने लगे थे। कब? मेरा बीएससी फाइनल नहीं हो पाया था तब, तब तक हम 2 मंजिल बिल्डिंग बनवा चुके थे भाई। जब हम अपनी गाड़ी फाइनेंस कराने गए तो हमने पूछा एज कितनी, 21 भी एज नहीं थी उस समय मेरी। तो यानी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपनी परिस्थिति के हिसाब से। यार अगर परिस्थिति नहीं हम सेट कर पाते, इधर उधर भटक जाते तो खेल बिगड़ जाता। तो पहला फायदा इंग्लिश समझ में आई, दूसरा फायदा ये हुआ मेरा जो प्लेटफॉर्म था वो मजबूत हो गया, और 12th तक हम अच्छे से पढ़ाने लगे तो बेस मिल गया। अब आज में 13 साल हो गए पढ़ाते हुए भाई, ठीक है। जब हम इंटर में ही थे, मतलब इंटर हमारा हुआ 16 साल में हुआ, तब से पढ़ा रहा हूं, और 28 के करीब एज हो गई, 13वां साल चल गया भैया मेरे भाई, 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास रिसोर्सेस क्या हैं और आप क्या कर सकते हो, वो समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहां से एक स्ट्रांग फाउंडेशन मिला और हम अच्छे से 12th वालों को पढ़ा पाए। फिर हमने क्या करा, जब हम 12th में पढ़ाने लगे तो जब हम बीएससी सेकंड ईयर में थे तो जो 12th वाले बच्चे थे वो बोले सर जी ऐसा करो बीएससी फर्स्ट ईयर भी पढ़ा दो। अब समझो खेल भैया, बीएससी सेकंड ईयर में थे हम और बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ाने लगे, क्योंकि जो बच्चे पास होते थे सर जी पढ़ा दो, उसमें और समस्या हुई। लेकिन समस्या होगी तभी तो सीखोगे यार, फंसते थे सीखते थे। हमारे जमाने में मोबाइल इतना एडवांस नहीं था कि नहीं फोन उठाया पूछ लिया सन्नी देवल की वीडियो सर्च करने पे, अब ऐसा अब होने लगा, हम भी इसका खूब इस्तेमाल करते हैं बच्चों के सामने। क्यों? क्योंकि यार रिसोर्सेज हैं तो इस्तेमाल करो। मेरे जमाने में ऐसा नहीं था भैया, ना इतना इंटरनेट पे डेटा था, आपको ये भी बता दें, अभी जितना आराम से सर्च करो आ जाता उस समय नहीं आता था भाई, ठीक है। 2013 की बात कर रहा हूं, 10 साल पहले की बात कर रहा, ठीक। फेसबुक पे हमने एक प्रोफाइल बनवाई थी, दूसरों से हमें बनानी नहीं आती थी, स्टेटस लगाना भी सीखा हमने 19-20 के बाद। तो यानी आपको एक बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, और फिर हमने बीएससी भी पढ़ाना शुरू करा। अब बीएससी में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं आए शुरुआत में, 2 बच्चे 4 बच्चे 10 बच्चे ऐसे पढ़ाते रहे, लेकिन उससे यह हुआ कि बीएससी भले ही मजबूत ना हुई हो 12th और मजबूत होता गया, क्योंकि बीएससी पढ़ा वहां हमने बांडे ग्राफ जनित्र 12th में पढ़ा आधे पन्ने का, बीएससी में हमने उसी को पढ़ा 1.5 पन्ने का 2 पन्ने का, तो 12th बहुत मजबूत होता चला गया। और जब बहुत मजबूत हो गया तो बीएससी मेरे लिए वरदान बन के साबित हो गई। थोड़े दिनों के बाद भैया ये हुआ बीएससी में भी भीड़ लगने लगी, अब तो हमने ऑफलाइन बंद कर दिया, टाइम नहीं रह गया, बीएससी में भी भीड़ लगने लगी। ये मेरे साथ में चीजें होती चली गई और बहुत जल्दी जल्दी होती चली गई। जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सिलेंडर पर रख के पढ़ाते थे, फिर एक टाइम आया उधर पूरा घर 4 मंजिल बनाया हुआ, 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था करी, यहां पूरी देखो अंधाधुंध व्यवस्था है, आराम से बच्चा बैठता है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हो रहा है? सिर्फ बीएससी की वजह से। अगर हमने बीएससी ना करके एक स्विच कर लिया होता पॉलिटेक्निक बीए इधर कहीं तैयारी आ रही में, तो शायद आज भी हम तैयारी कर रहे होते। ये जिंदगी में जो चेंज हुए सर जी, ठीक है। उसके बाद टाइम मिला प्लानिंग करने के लिए, ठीक। जैसे हम तो थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हैं, उसका कारण यह है क्योंकि हमने कसम खाई थी जब 3-4 बच्चे थे कि हम भैया कभी जिंदगी में नौकरी नहीं करेंगे, थोड़ा सनकी टाइप थे हम, ठीक है। हमारी मम्मी कहती थी डाल दो फॉर्म ये हो जाएगा वो, हमने हम पढ़ाना ही है,
जो काम करना वही करना है, तो हमारा तो ये मामला था। लेकिन फिर भी लोगों को टाइम मिलता है 3 साल, क्योंकि बीएससी के बाद सब कुछ कर सकते हो, एमए कर सकते हो। हमने 4-5 बार मेरे एमए हो गए हैं, मेरे पास जो टाइम मिलता था वो इस बार भी एजुकेशन से एमए कर रहे हैं, तो हम पढ़ते रहते हैं। वैसे पैसा है तो आगे चल के आदमी एमसीए कर सकता है, एमबीए कर सकता है, कुछ भी कर सकता है यार, उसके सारे विकल्प, चाहे एसएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, कुछ भी करो। लेकिन हमें एक टाइम मिला 3 साल समझने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं और चीजों को कायदे से हम आगे बढ़ा पाए। तो टाइम मिलता है प्लानिंग करने के लिए, जो हमें अच्छा खासा मिल गया था। उसके बाद एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि भले ही हम 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे 10 बच्चे बीएससी में पढ़ा रहे थे 2015-16 तक, क्योंकि उस समय शुरुआत में थोड़ी भीड़ हो गई यार। 2017 वाला जो मेरा बैच था इंटर का ऑफलाइन, उसमें भैया लगभग 27 बच्चे थे, 2018 वाले में 76 बच्चे थे, 2019 वाले में 126 बच्चे थे, और फिर वो बढ़ते गए कुल मिला के 12th में। फिर हमने खूब भौकाल काटा जब तक कोरोना नहीं आया तब तक, ठीक। फिर कोरोना आ गया, सब सन्नाटे में चला गया। अब हमने क्या किया, हमने भैया चैनल पे बीएससी पढ़ाना शुरू करा। और अभी भी आप बीएससी का कंटेंट, सिर्फ बीएससी डालना यूट्यूब पे, ऊपर सर्च करना, ऊपर वीडियो बढ़ाना, देखना टॉप 10 में हो सकता है 4-5-6 वीडियो अपनी आ जाए, हो सकता है पहली वीडियो अपनी आ जाए। क्यों आएगी बताओ, क्योंकि भैया कायदे का पढ़ाने वाला कंटेंट कुछ है ही नहीं। आदमी डग्गा मारी कुछ भी बना रहा है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में सारा कुछ पढ़ा रखा है, यहां पे जान लगा दी, कभी 10,000+ वीडियो बनी। लेकिन तो क्या हुआ यार, वो जो हमने पीछे पढ़ा रखा था वो चैनल पे क्लिक हो गया, और आज अपने पास सबसे ज्यादा ऑडियंस, भाई जो लोग यहां पे देख रहे हैं 100 में से कम 85% ऑडियंस कौन सी, बल्कि 100% जो 12th पास भी हो बीएससी तो करेंगे भाई, अगर बाकी में कनेक्टेड लोग हैं, यानी कुल मिला के सारी ऑडियंस बीएससी वाली है। टेलीग्राम पे 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे अभी 30,000 फॉलोअर हुए हैं, अंधाधुंध आंधी चला दी लोगों ने, ठीक है। यहाँ चैनल पर लगभग 3.5 लाख+ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, दूसरा छोटा सा चैनल है उस पर 60,000 होने वाले हैं, छोटे मोटे चैनल पर भी 10-10, 12-12 हज़ार सब बीएससी वाली ऑडियंस है। तो बीएससी चैनल पर क्लिक कर गई, और तब से भैया क्या है, भैया आदमी जानता है भाई बीएससी में कहाँ पढ़ोगे, बोले वहाँ पढ़ेंगे। तो ये वाला मामला हो गया, बच्चे कमेंट्स करते हैं सर जी मेरे पूरे पूरे नंबर आ गए। तो देखो कैसे पूरा एक जिंदगी में डॉट्स हैं भाई, उन डॉट्स को कनेक्ट करो। क्या डॉट्स है कि भैया कुछ नहीं तो बीएससी पढ़ाई, ऑनलाइन आ गए, ठीक है, फिर यहाँ पढ़ाने लगे, सारे डॉट आपस में मिलते चले गए। जिंदगी मौका देती है, उन डॉट्स को मिलाओ। हम ये नहीं कह रहे कि मेरी ये मेरा ये करियर चला तो आप ऐसे चलोगे, नहीं, आप किसी और तरफ चल सकते हो। मिले आप एमएससी मिलाओ, मिले एमएससी से पीएचडी मिलाओ, पैसा है तो करो ना, कौन मना कर रहा। एमबीए मिलाओ, जो पैसा है, जैसे एमबीए में खर्चा बहुत है, एमसीए कर सकते हो, एमसीए करो, क्या दिक्कत है। टाइम मिल रहा है, प्लानिंग मिल रही है, या इसके बाद किसी अच्छे कॉलेज से एमएससी करना चाहते तो करो ना तैयारी यार, फॉर्म भरो, इंटरेस्ट निकालो, कौन मना कर रहा है। लेकिन बात भैया लोग गाते रहेंगे कुछ नहीं होता, नहीं होता तो फिर भैया लेके बैठे रहो। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि खाली बीएससी, जो लोग कहते नहीं खाली बीएससी करके तो खाली बीटेक करके भी कहां कुछ हो रहा है। अगर स्किल्ड नहीं हो तो बीसीए करके भी कुछ नहीं हो रहा है, बीटेक करके भी कुछ नहीं हो रहा। अगर स्किल्ड हो, साथ में सीख रहे हो, बीसीए कर रहा हो तो बीसीए करो, ना करो डिग्री फाड़ के फेंक देना पूरे साल, लेकिन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। फिर प्रोग्रामिंग आती है, कोई भी आदमी आपको रख लेगा भाई, हो सकता है शुरुआत में कम मिले, आने वाले टाइम में जब समझ जाएगा व्यक्ति टैलेंटेड है, डिमांड बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। उसके तो चैनल पर बीएससी क्लिक कर गई, ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसके बाद भाई प्रैक्टिकल नॉलेज मिली। 12th तक हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए थे, पहली बार ऐसा हुआ कि भैया हमने वहां पर जाके देखा जी जीवाई बार पेंडुलम है। जब हम यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो बच्चों को बता सकते हैं जी वाई बार। अब हम सोचो बीए करा होता क्या बताते हैं 12th तक। लोग कहते हैं हम तो 12th तक कोचिंग पढ़ाते हैं, अभी तुम पढ़ाते थोड़ी हो, तुम्हें मालूम ही नहीं कुछ, तुमने जिंदगी में देखा ही नहीं कुछ है, तुम काम चलाते हो। तो किसी भी चीज में अगर परफेक्ट बनना है तो उससे बड़ी डिग्री करनी पड़ेगी भाई। जैसे लोग कहते हैं सर जी आपने एमएससी, अरे पैसा नहीं था यार, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ में एमएससी करते, हमारे पास से पढ़े हुए करते, उनके साथ में बैठ के हमने पढ़ा है, जरूरी थोड़ी डिग्री हो यार। कई बार ऐसा हुआ बच्चों के पेपर थे, संग में बैठे हुए उनकी तैयारी करवा रहा, अब इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन पहले हमने बहुत राग फैला, बहुत पढ़ा यार, ऐसी ऐसी किताबें मेरे पास मिल जाएंगी। लोग कहते हैं यार पता नहीं क्या करते रहते हैं, टाइम देना पड़ेगा खुद को, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बीएससी चैनल पर क्लिक कर गई। उसके बाद अगर हम आपको बताएं प्रैक्टिकल की बहुत नॉलेज मिली, जी वाई बार पेंडुलम क्या है, ईटा बाई डायनेमिकल क्या है, ईटा बाई स्टेटिस्टिकल क्या है, यानी सारी चीजें देखने को मिली, समझ में आई, और सारी चीजें देखने के बाद और फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होता गया, प्रैक्टिकल नॉलेज मिली भाई, ठीक है। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हुई, जाहिर सी बात है भाई, जब आप इंग्लिश वर्डिंग धीरे धीरे सीख रहे हो, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी, राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया ये तरीका होता है, आपको नोट्स लिखना पड़ेगा, अच्छा नंबर अगर अच्छे चाहिए तो समझ में आने लगा कि बच्चों को बता भैया ऐसे लिखा जाएगा, ये करा जाएगा, और तभी फिर हमने किताब भी लिखी है। शुरुआत सब लोग जानते होंगे, जो लोग भी चैनल से प्रॉपर जुड़े हुए हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजन आप कहीं भी जाके सर्च करोगे शुरुआत सत्यम वाजपेयी किताब आ जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहाँ पर आप चले जाना आराम से देख सकते हो, पढ़ो पूरी किताब, उसमें स्टूडेंट क्यू एन है, मतलब देखने के लिए छोटी किताब है 70 पेज, लेकिन वो 28
साल का एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखोगे भाई उससे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा होगा, वरना जाके सर्च कर लेना फ्लिपकार्ट पे शुरुआत सत्यम वाजपेयी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है, सिर्फ बीएससी से हुई ये नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर आप सीखने की, कहते नहीं जहां चाह है वहां राह है, कोशिश करते रहे तो सीखते रहे। और सबसे बड़ी चीज बीएससी में होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब कैसे होती भाई, पता है स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं होएगा, गए सर जी ने कहा कॉपी नहीं लाए टांग काट देंगे, अब जुगाड़ लगा रहा है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, प्रेशर आता बहुत ज्यादा, पेपर आ गए भैया पढ़ा लिखा है नहीं, अंग्रेजी में छपा हुआ हिंदी कैसे लिखेंगे क्या करेंगे, तो प्रेशर आना शुरू हुआ भाई, किसी से कॉपी मांग लाए, कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं। जब प्रेशर आता है, बीए में पता ही है कुछ नहीं होना, चलेंगे ऐसे चल के सुना, बीएससी में एक प्रेशर आता है व्यक्ति के ऊपर। जब प्रेशर आता है तो वो सीख, उसे मालूम है फेल हो जाएंगे भाई, बैक लग जाएगी। तो जब प्रेशर आता है तो आपके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप होती है। या तो आदमी बिखरता है या निखरता है, दो ही चीजें होती है। जो बिखर जाता है चार बैग लगा के बाहर, और जो निखर जाता है फिर वो भैया खिल के बाहर आता है। तो कुल मिला के ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिनकी वजह से मेरे भाई हम आप तक यहाँ ये वीडियो डिलीवर कर पा रहे हैं और कायदे से आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। हम यही कहेंगे कि अगर हमने एक गलत फैसला ले लिया होता, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है कि अगर हमने पॉलिटेक्निक में चले गए होते, आईटीआई कर लेते हैं कुछ भी, तो शायद कहीं हम 32 के केंद्र में बैठ के बिल जमा कर रहे होते 1500-3500-3500 पे, उससे ज्यादा जो है, उससे ज्यादा नहीं, कम से कम 40,000-50,000 रुपए महीने में यहाँ पे खर्चे हो जाते हैं भैया, बत्ती के, वाईफाई के, कम से कम 4,000-5,000 रुपए वाईफाई का रिचार्ज हो जाता है, बत्ती का 10,000-12,000 बिल जमा हो जाता है, पड़ोस में मकान बन रहा है उसका भी एक नया कनेक्शन लेने वाले हैं उसका बत्ती का बिल अलग आएगा, उसके अलावा लोग यहाँ पे काम करते हैं उनकी सैलरी, बहुत सारी कोई थंबनेल बनाते हैं उनकी सैलरी है, कोई यहाँ बैठता है उसकी सैलरी है, कोई यहाँ पढ़ाता है उसकी सैलरी, 40,000-50,000 रुपए ऐसे महीने में खर्च हो जाते हैं भाई। यानी सब कुछ बिल्कुल कायदे से चल रहा है। क्यों चल पा रहा है? क्योंकि मेरी जिंदगी का एक डिसीजन था कि भाई बीएससी करनी और साथ में हमें पढ़ाना है, बस फिर पढ़ाते ही रहे। उसके बाद हमने कभी कुछ ट्राई नहीं करा कि हम ये कर लेंगे, ये कर, कुछ नहीं करेंगे, ये फॉर्म डाल देंगे, ये पेपर दे आएंगे, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाएंगे, हम दिन रात पढ़ाएंगे, घा के पढ़ाएंगे, जान लगा देंगे, बात खत्म हो गई। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको यहां तक ये समझ में आया होगा कि मेरी जिंदगी कैसे बदली है, तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आपकी कैसे बदलेगी, बीएससी के साथ में कोई एक स्किल पकड़नी पड़ेगी। क्या पकड़ोगे, कैसे करोगे, वो आपको डिसाइड करना है, मेरी जिंदगी नहीं है वो। हम आपको तजुर्बा शेयर कर सकते हैं, समझना आपको खुद पड़ेगा। हम आपसे कहते हैं भैया फूल बनाना शुरू कर दो, तो तुम फूल क्या, तुम समझ गए फूल मतलब मूर्ख, लोगों को मूर्ख बनाना, ऐसा नहीं करना है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी आपके अंदर कौन सी स्किल है। हम कई बार वीडियोज में कहते हैं अगर आपके अंदर कोई स्किल है कॉमेंट करके बताओ। बाकी कल्लू अकेडमी बीडी के जो चैनल बनाया उस पर सिखाने के लिए बनाया, थोड़े से टाइम की दिक्कत रही बीच में, कोशिश करेंगे उसे दोबारा से कंटिन्यू करने की। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। इंस्टाग्राम पे जाके बीडी को फॉलो करो, लगभग 30,000 फॉलोअर्स वहां पे हो गए, फटाफट से 1,00,000 करने हैं भाई। कुछ लोग कहेंगे अबे बहुत उड़ रहा है हवा में, 70,000 दूर हैं, अरे हो जाएंगे भाई, कल 25 थे आज 30 हो गए, तो कितने 70 करने में, कितने 15 दिन में हो जाएंगे और क्या, या उससे जल्दी करा सकते हो। जाओ जाके फॉलो करो फटाफट, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।